दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ 16 तारीख को हुआ। ये शिविर कॉलेज के नए भवन लोहाराव में किया जा रहा है और इसका समापन 22 तारीख को होगा। इसी कड़ी में आज जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय ललित कला महाविद्यालय द्वारा लोहाराव में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के दौरान बतौर मुख्य वक्ता फायर ऑफिसर गोपाल दास ने विद्यार्थियों को अग्नि सुरक्षा के गुर सिखाए। NSS ऑफिसर डॉक्टर नीरज शांडल्या ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक जिम्मेदारी और छात्र विकास को बढ़ावा देना है। जवाहरलाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लोहारब में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें 16 से यह जो शिविर है वो 16 से 22 तारीख तक चलेगा और इसमें 14 और 15 तारीख को हमने प्रेपरेटरी काम किया है, जिसमें 2 दिन हमें लगे कुछ इंतजाम करने के लिए, क्योंकि ये हमारा नया कैंपस है लोहारब में और जो हमारा पुराना कैंपस है वो गोडशिला में चल रहा है। तो इसमें हमारा सहयोग गांव वालों ने और पंचायत ने भी दिया है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी और छात्र विकास है। इसके तहत हमने यहाँ 7 लगते गांव लोहारब को अडॉप्ट किया है और हमारे बच्चों ने गांव गांव जाकर इसमें उन लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया है और उनको वोट देने के लिए भी जागरूक किया है और हमारे बच्चों ने सफाई अभियान भी इस गांव में किया है। और आज के दिन हमने बच्चों को फायर सेफ्टी से रिलेटेड उनको जानकारी दी है और कुछ पौधारोपण हमने किया है, जिसमें अखरोट और देवदार के पेड़ हमने लगाए हैं। कल के दिन हम एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें वॉलंटियर्स का चेकअप तो होगा ही, साथ में हमने यहाँ सारे गाँव वालों को भी बुलाया है, उनका हेल्थ चेकअप भी हम करने जा रहे हैं। इस तरह की विभिन्न एक्टिविटीज हम इस कैंप के दौरान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।